गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप देखते हैं हमारा चैनल धीरज मिक्सिंग ब्लॉगर। तो फाइनली गाइस आज हम लोग आ चुके हैं मुंबई, और मुंबई आने के बाद हम लोग आज आए हैं बीच। बीच का नाम है जुहू चौपाटी बीच, जो बांद्रा स्वीट में पड़ता है, कुछ उसके नियर में पड़ता है। ये जिस रोड से आप मेरे पीछे में रोड जो देख रहे होंगे, आगे वाली जो बिल्डिंग विल्डिंग दिख रही है, उसके पीछे मुकेश अंबानी का घर भी है, जो इंटेलिया पड़ता है, इंटेलिया घर का नाम है। चलिए हम लोग जुहू चौपाटी बीच आ गए हैं, और जुहू चौपाटी का आपको दिखाते हैं नज़ारा, बेहद शानदार। और आपको बड़े बड़े इमारतें यहाँ पर दिख जाएगी, बड़े 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 सारी बिल्डिंगें मिल जाएंगी देखने को। और जो इस साइड में जो देख रहे हैं सामने में, आपको जो दिख रहा हो कुछ ऐसे जो नहीं दिख रहा है आपको, तो इसमें इसके सामने ही पड़ता है जो क्या बोलते हैं उसको, होटल ताज, जो ताज होटल यहाँ पर ही पड़ता है। तो देख सकते हैं बीच का नज़ारा तो बेहद शानदार लग रहा है। अभी शाम के समय में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्राउड रहता है, और मेरे पीछे देख सकते हैं जो बिल्डिंग आपको पीछे में दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा इमारत। तो चलिए आपको बीच का नज़ारा लीजिए, और बीच का मस्ती करवाते हैं आपको, बीच तो हम भी मस्ती करते हैं, और तो दिखाते हैं आपको बीच का नज़ारा तो बेहद शानदार लग रहा है। नज़ारा जो आपको बड़े बड़े कोकोनट का पेड़ का आपको पेड़ मिल जाएगा देखने को, और यहाँ पे सारे लोग जो मस्ती करने के लिए शाम के समय में आते हैं, और फुल मस्ती। आपको यहाँ से बेस्ट व्यू नज़ारा मिलेगा यहाँ पे, जो देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारा जो कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। मुंबई मतलब आने के बाद हमें फील हो रहा है, मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया हूँ, आने के बाद मुझे लग रहा है कि मतलब किसी अदर कंट्री में चला गया हूँ मैं। दुबई देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत शानदार है। अगर जब भी आप आएँ तो जुहू चौपाटी बीच आना ना भूलें, और मज़ा आ जाएगा भाई। देख सकते हैं आपको दिखाते हैं वीडियो में, तो जूम करके देख सकते हैं इमारत, कितनी बड़ी बड़ी इमारत दिखती है। लाइटिंग जब आती है, जब लाइटिंग शो होती है, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। देख सकते हैं ये रहा आपके सामने समंदर, जो कई एक किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। देख सकते हैं ये, देख सकते हैं कितने लंबे लंबे आपको इमारत वाले बिल्डिंग दिखते हैं। बेहद खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, और शाम को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड होता है। यहाँ पे लोग जो है मस्ती कर रहे हैं, कुछ लोग फोटो खींच जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे आएँ तो आपको कैमरे वाले भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आप फोटो शूट करवा सकते हैं। फोटो शूट तकरीबन 30 से 40 रुपये लेगा एक पर पर्सन फोटो फोटो शूट करना है। सामने में जो आपको ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये होटल ताज का बिल्डिंग है। कल गए थे, मेरा वीडियो कल आया होगा यूट्यूब पर, आप जाकर वहाँ देखें। और हमारे जो भी न्यू चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। सारे बिल्डिंग में और खूबसूरत लगती है बीच। आपको खाने पीने के लिए कुछ यहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जो देख सकते हैं वेज नॉन वेज सारे आइटम यहाँ पे मिलते हैं। तो आप जब भी आप आएँ तो यहाँ पे बीच पर ले सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ के खाने में और मज़ा आएगा रेत पे। तो आइए और खाइए अभी, चलिए और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, बने रहे हमारे वीडियो में।